नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा। आप देख रहे हैं सूरज शर्मा बाइक पॉइंट। ये है बड़े गाड़ी जैसे ट्रक, हाईवा, ये सब का जो है ना केबिन होता है ना, ये केबिन का शॉकअप है। ठीक है, 12 चक्का जो बड़े बड़े गाड़ियाँ आती है, ट्रेलर वगैरह आती हैं, जो उसकी ये शॉकअप है। तो इसका शॉकअप का देखिए, ये स्प्रिंग है। जैसे मान लीजिए हमको अगर ये स्प्रिंग खोलना है तो हम ये स्प्रिंग को डायरेक्ट नहीं खोल सकते। ठीक है, ये ऊपर में जो है इस जगह पर ये लॉक लगा रहता है, इस तरह से ऐसा ये लॉक लगा रहता है। तो लॉक लगे रहने के कारण जब तक हम स्प्रिंग को प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये खुलेगा नहीं। तो स्प्रिंग प्रेस करने का मैं आपको टूल दिखाता हूँ। ये स्प्रिंग को हम लोग कैसे प्रेस करते हैं और किस तरह से हम उसको निकालते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको देखिए दोस्तों। ये वाला है बड़े गाड़ियों का जो स्प्रिंग है, सबको दबा करके शॉकअप जब खुलते हैं ना, वो चीज़ के लिए। इस वजह से ये देख सकते हैं, ये इस तरह से ये बना हुआ, ये ऐसा राउंड जैसा हल्का, इधर भी और इधर भी, इसमें भी नीचे में भी बना हुआ है राउंड जैसा। तो ये क्या होता है ना, जा करके यहाँ पे ऐसा पकड़ लेता है, ये इस तरह से ऐसा पकड़ता है, फिर उसको ये वाला जो है नीचे वाला ये भी इस तरह से ऐसा पकड़ लेता है, दोनों जब ऐसे और ये ऐसे, ये ऊपर से पकड़ लेने के बाद फिर ये जो है ना थ्रेड, इसको टाइट करना पड़ता है। इसको टाइट जब करेंगे हम तो ऑटोमेटिक जो है ये स्प्रिंग दबता है। ये दबने के कारण क्या है, ये लॉक हम आराम से इसे निकाल सकते हैं। ये निकल जाने के कारण फिर उसके बाद हम ये शॉकर का काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक साइड ये हम इधर से दबा दिए, फिर एक साइड जो है हम इधर से दबा दिए, दोनों साइड से दब जाएगा तो ये स्प्रिंग नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेंशन स्प्रिंग रहता है तो इसे खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जो है हम कूलर लगा करके इसका स्प्रिंग कूलर, और उसके बाद खोलते हैं। ये स्प्रिंग कूलर जो है, जैसे ये वाला जितने भी बड़े गाड़ियों का बड़ा बड़ा कॉइल वाला जो स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंगर को दबाने का इससे काम रहता है। ये वाला कूलर को आसानी से वो दबाता है, आसानी से इसे मैनेज करके रखे रहता है। उसके बाद आप अपना काम करिए, काम करने के बाद में फिर यही कूलर लगा करके इसे फिटिंग कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से नॉलेज वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद। बाकी धीरे धीरे मैं आपको बाकी सभी गाड़ियों का और भी कुछ कुछ चीज़ों को बनाने का वीडियोस वगैरह मैं डालता रहूँगा, आप देखते रहें, शायद आपके नॉलेज में वो सब आ जाए, अच्छा लगे आपको वीडियो। देखिए ये तो स्प्रिंग लगा हुआ है, दो शॉकअप था, एक ये वाला है, ये शॉकअप, ये एडजस्टमेंट है उसका स्प्रिंग टेंशन करने का। ठीक है दोस्तों, अभी ये शॉकअप जो है सर्विस होगा। फ़िलहाल तो मैं सर्विस का तो डालूँगा नहीं, मैं सिर्फ स्प्रिंग के बारे में डालना चाहता था तो स्प्रिंग का मैंने डाल दिया।